and sister judges, members of the MP State Legal Service Authority, Registrar General, Principal Registrars, Registrars, Shri Zakir Hussain, Principal District and Sessions Judge, Vidisha. आज हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे तहसील न्यायालय खातेगांव परिसर में देवा जिले की प्रथम बाल उद्देशी न्यायालय का ई लोकार्पण हमारे मुख्य न्यायाधिपति श्री रवि मलिमठ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है। बाल उद्देशी न्यायालय में उन मामलों की सुनवाई की जाएगी जिसमें पीड़ित बालक अथवा बालिका है। बाल उद्देशी न्यायालय की संरचना का उद्देश्य यह है कि यहाँ पर पीड़ित बालक बालिका को सुरक्षित पारिवारिक दोस्ताना वातावरण प्राप्त हो और वे अपनी साक्ष्य सुगमता से एवं बिना किसी डर के दे सकें। इस न्यायालय की संरचना इस प्रकार से की गई है कि पीड़िता का और आरोपी का प्रवेश द्वार अलग अलग होगा और दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे, जिससे पीड़ित बालक बालिका का भय समाप्त होगा और वह निर्भीक होकर साक्ष्य दे सके। सर, देवास जिले में ये सुविधा कहाँ कहाँ प्राप्त होगी? ये आज प्रथम बार हमारे तहसील न्यायालय खातेगांव में और इसका लोकार्पण हुआ है और टोकपुर में हुआ है। इसके पूर्व और कहीं पर भी बाल उद्देशी न्यायालय नहीं है।